राज्यसभा में पीएम मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष ने खूब हंगामा किया। इसके बावजूद पीएम मोदी अपना भाषण देते रहे, जिसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया। विपक्ष के सांसद पीएम मोदी के भाषण के दौरान ही उठकर राज्यसभा से चले गए। विपक्षी सांसदों के वॉकआउट करने पर सभापति ने कहा कि विपक्ष ने उन्हें पीठ नहीं दिखाई बल्कि संविधान को पीठ दिखाई है। सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरडा का शेयर प्राइस रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने में कामयाबी हासिल की है। आज इरडा का शेयर 3.31% के गैप अप के साथ खुला और यह फिलहाल 6.5% की बढ़त के साथ 216.55 रुपए प्रति शेयर पर रहा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने 14 नए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। विश्वविद्यालय द्वारा साझा की गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित भगवद गीता स्टडीज में एमए पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसी प्रकार कृषि व्यापार, हेल्थ केयर और हॉस्पिटल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए को भी शुरू किया गया है। यूनाइटेड किंगडम में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की फिर से सत्ता में वापसी होगी या फिर लेबर पार्टी के कीर स्टार्मर अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, इसका फैसला कल यानी 4 जुलाई को हो जाएगा, जब देश में लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तेहेवुर राणा को भारत लाने की उम्मीद बढ़ गई है। दरअसल अमेरिका के सहायक अटॉर्नी ब्रैम एल्डेन ने अमेरिका के अपीलीय न्यायालय को बताया है कि भारत अमेरिका की प्रत्यर्पण संधि के प्रावधानों के तहत तेहेवुर राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। तेहेवुर राणा पर साल 2008 में हुए मुंबई हमले में शामिल होने का आरोप है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर जवानों और नक्सलियों के बीच अबूझमार के जंगल में मंगलवार सुबह हुई शुरू हुई मुठभेड़ देर शाम तक जारी रही। पूरी रात जवान जंगल में ही मौजूद रहे और आज सुबह से सर्चिंग की गई। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने इस मुठभेड़ में 5 नक्सलियों को मारे जाने की पुष्टि की है। मौके से मारे गए नक्सलियों के हथियार एवं नक्सल सामग्री भी बरामद की गई है। आईजी ने मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने की भी संभावना जताई है। T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम ने बीते कुछ दिनों से बारबाडोस में ही फंसी हुई थी। T20 वर्ल्ड कप की विजेता टीम को चक्रवाती तूफान के चलते मजबूरन बारबाडोस में रुकना पड़ा था। अब भारतीय टीम BCCI की स्पेशल फ्लाइट से भारत के लिए रवाना हो चुकी है, जो कल सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचेगी। इस साल पहली तिमाही में सुस्त शुरुआत के बाद दूसरी तिमाही में रियल एस्टेट में निवेश ने गति पकड़ ली है। दूसरी तिमाही में इस क्षेत्र में संस्थागत निवेश 3 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इस निवेश में आधे से ज्यादा हिस्सेदारी औद्योगिक व वेयरहाउसिंग सेक्टर की रही। दूसरी तिमाही में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी 81% रही। घरेलू निवेशकों ने भी पिछले साल की दूसरी तिमाही से 2.8 गुना अधिक निवेश किया। लखनऊ में एक बार फिर से सहारा इंडिया के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दस्तक दी है। आज सुबह उनके राजधानी स्थित कई ठिकानों पर चिटफंड घोटाले से जुड़े मामले में ईडी की टीम पहुंची। जानकारी के मुताबिक सहारा इंडिया के लखनऊ में कपूरथला में दफ्तर समेत कई ठिकानों पर आज सुबह सुरक्षा कर्मियों के साथ ईडी की टीम ने छापा मारा। इस दौरान दफ्तर परिसर के गेट का बंद कर अंदर ईडी के अधिकारी दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। चाइना टाउन के ऑस्कर विजेता और हॉलीवुड लेखक रॉबर्ट टाउन का 89 साल की आयु में निधन हो गया है। इसके अलावा उन्हें द लास्ट डिटेल, शैम्पू और ग्रेस्ट्रोक के लिए भी नामांकित किया गया था। उन्होंने कई सालों तक हॉलीवुड में पटकथा लेखक के रूप में काम किया। उन्हें 1997 में राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया था।